तो प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के जो नेता आ रहे हैं वो लिस्ट जरूर लेकर के आए बतौर प्रधानमंत्री, हमारे इलाके के लिए कुछ किया हो तो लिस्ट जरूर लेके आए। हमारी मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है बल्लभगढ़ तक हम लाए थे, आज भी हमारा ऐलान है मेट्रो का हम लेकर के आएंगे। आज 32 रेल जो चलती थी 20 रेल क्यों बंद है प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। आज ये नाजायज बसें बीजेपी के नेताओं की जो 1000 के करीब पलवल आगरा तक चलती हैं और रेलों को इसलिए बंद किया हुआ है प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उस दिन तो उन्हें बताना चाहिए कि पलवल फरीदाबाद में इतने GST के छापे क्यों मारे गए। मुझे हराने के लिए फिल्म एक्टर राजेश खन्ना आते थे, मुझे हराने के लिए दारा सिंह पहलवान आते थे, मुझे हराने के लिए यहाँ तमाम मुख्यमंत्री आते थे, लेकिन लोगों ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मुझे हराने के लिए आए थे, वहाँ यहाँ के 36 बिरादरी के लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी थी बल्कि वहाँ हूटिंग हो गई। जो गुंडे बदमाश हैं, जो बेईमान अधिकारी हैं, जिन भाजपा नेताओं की शरण में ये फिरौती का धंधा चल रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए? जो गुनाह कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। अब कांग्रेस का राज हरियाणा में बनने जा रहा है। हमारी बहुत बड़ी समस्याएं हैं पलवल जिले की, शहर की, हमारे की, पलवल विधानसभा की। तो जाम की समस्या है, पानी खड़ा होने की समस्या है, चैन छिनने की दिक्कत है, फिरौती का धंधा चल रहा है, पुलिस की मिली भगत और बीजेपी के नेताओं की मिली भगत, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर यहाँ नगर परिषद में आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पोर्टल के नाम पर हर महकमे में लूट है। बिजली की बहुत बुरी किल्लत है, ना ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं ना तार बदले जाते हैं, और नगर परिषद में सीवर और पानी का करोड़ों रुपए का घोटाला है। तो हमें भगवान से यही कामना करके चुनाव में खड़े हुए, प्रार्थना करके कि भगवान हमें इस लायक बनाए कि इस इलाके के दुख और तकलीफों को हम ठीक करें। और जो राजनीति एक विचारधारा की लड़ाई है, राजनीति ना किसी जाति विशेष से होती है ना किसी धर्म से होती है, राजनीति विचारों से होती है। और हम पलवल के 36 बिरादरी के सभी भाइयों का, सभी वर्गों का आशीर्वाद लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जो हमारे ऐलान है आज नेशनल न्यूज़ में भी आया है, 6000 पेंशन देना, और जो हमारी बेटियां हैं 60 साल तक की लड़कियों को, औरतों को हम 2000 रुपये प्रति माह उनको पेंशन देंगे जिससे महिला जीवन में उनको तंगी ना हो, और 60 साल के बाद हमारे बुजुर्गों की पेंशन है। इसी तरीके से जो हमारे 100-100 गज के प्लॉट गरीबों को देने का हमारा ऐलान है, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का हमारा ऐलान है, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का हमारा वायदा है, और जो बीमारियां हैं गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए का सरकार द्वारा देना, ये बहुत बड़ा कदम है। तो अब हमारा यही निवेदन है कि ये तो पूरे प्रदेश के लिए हो गया, 2 लाख सरकारी नौकरियों का आज हमारी पार्टी ने ऐलान किया है जो सबसे बड़ी बात है, और हमारे इलाके में सरकारी रोजगार अभी तक इतना नहीं आ सका। और उसमें आप मेरे से सवाल करेंगे, मैं पहले ही कह देता हूँ कि मेरे टाइम में भी जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ सका, क्योंकि मैं तो सरकारों से लड़ता रहा, लेकिन और पार्टियों से हमने फिर भी ज़्यादा किया है, ये भी है जो और राजनीतिक दलों ने अब तक किया, हमने कसूर मान के भी किया, हमने फिर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब ये जो 2 लाख सरकारी नौकरी हैं, इसमें हम ऐलानिया ये बात कह रहे हैं कि हमारे इलाके की 36 बिरादरी के जो बच्चे हैं, योग्य बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, अब की दफा पूरा दम दिखा करके जहां अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे, पलवल शहर को जो जिला मैंने बनाया है इसको जिले लायक बनाएंगे, गुड़गावा नोएडा की तर्ज पर इलाके को, पलवल को विकसित करेंगे, स्टेडियम बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट नगर बाहर निकालेंगे, और जो ये जाम लगते हैं उसके लिए हम कोई भी कार्यक्रम बना करके जाम से राहत देंगे, खड़े पानी से, और ये फिरौती लेने वाले जो लोग हैं इन फिरौती लेने वाले लोगों का पर्दाफाश करेंगे सरकार बनते ही।
ये कौन बीजेपी के लोग हैं जो इन फिरौती धंधे में इन्वॉल्व हैं, अपनी हैसियत का गलत फायदा उठा करके, कौन पुलिस वाले इनमें मिले हुए हैं और कौन वो बदमाश, और जो चैन छीनने वाला गिरोह है उसको पकड़ेंगे, और पलवल में पार्क बनाना, पलवल में एंटरटेनमेंट सेंटर बनाना, पलवल का प्रेस क्लब बनाना, यहाँ लड़कियों के लिए अलग से पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज पलवल में यूनिवर्सिटी लेकर के आना, और दलित समाज, बैकवर्ड समाज, किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग, कर्मचारी भाई और दुकानदार भाई सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर पलवल में अब की दफाई स्वर्णीय अवसर पलवल के लिए माना जाएगा, स्वर्णीय। लेकिन कोई मनगढ़ंत बातें जो ये आजकल जातिवाद धर्म की आड़ में जो मानवता की विचारधारा को शर्मिंदा किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए, और कम से कम आप उनसे दूर रहें जो ऐसा करते हैं, वो हमारे प्रेस भाई उनसे दूर रहें, सोशल मीडिया पे तो ना जाने क्या क्या जातियों के कैंडिडेट बना दिए हैं, हमने तो आज तक जातिवाद में भरोसा ही नहीं किया। तो ये इलाका जातिवाद से नहीं, धर्म से नहीं, धर्म हम भी हिंदू हैं और गर्व करते हैं अपने धर्म पर, लेकिन जब हम राजनीति में हैं तो हम सबके नुमाइंदे हैं, सब जातियों के, सब धर्मों के लोग हमें यकीन करते हैं, फिर हम किसी के साथ भेदभाव करते हुए अच्छे नहीं लगते। तो जो बीजेपी 10 साल पलवल का कुछ नहीं कर सकी सरकार होते हुए केंद्र में और हरियाणा में नगर परिषद में, तो अब तो इनकी सरकार ही नहीं आनी, अब इनका करने का बोलने का औचित्य क्या है? और आज भी वो डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, केवल जातीय घृणा और धर्म के नाम पर वो आज भी वही बात पे खड़े हुए। मेरा भाजपा के उम्मीदवार को शुभकामनाएं हैं, नया वो हमारा भाई है और भगवान उसकी मदद करे, मैं तो यही कह सकता हूँ। बाकी चुनाव में तो लोग फैसला करते हैं, और मेरा तो हर राजनीतिक दल को एक ही मशवरा है कि राजनीति को दूषित नहीं करना है, हम रहें या वो आए या कोई और, राजनीति एक बहुत बड़ा धर्म है, इसकी मर्यादाओं को अगर हम खंडित करेंगे तो ये देश बचेगा नहीं। तो अपनी मर्यादाओं में रह करके चुनाव लड़ें, और हमारी शुभकामनाएं बीजेपी के कैंडिडेट के लिए भी और भी सब भाइयों को हमारी शुभकामनाएं। देखिए, हम पलवल में रैली कराएंगे तो उनकी कराएंगे जो पलवल के काम आने। अब भाजपा जिन नेताओं को लेकर के पलवल में आ रही है, उन्होंने पलवल के लिए क्या तो किया है और क्या आगे कर सकते हैं, उनका यहाँ आने का औचित्य क्या है? और जब वो अपने पदों पे थे तो उन्होंने कौन सा तोहफा दिया, कौन सा हमें उन्होंने हमारे बच्चों को रोजगार दिया, हमें तो बर्बाद किया है बीजेपी के नेताओं ने, और आज वो केवल जाति और धर्म के नाम पर प्रचार करने आ रहे हैं। तो हम पलवल में उन लोगों को बुलाएंगे जिन लोगों की कलम से हमारे पलवल का भाग्य बदलना है, जो यहाँ मायने रखेंगे, जो सबका भला करेंगे, वो आएंगे, वो कहेंगे, लोग उनकी बात पर यकीन करेंगे। बताया जा रहा कि नरेंद्र मोदी, मैं हरियाणा में जब से राजनीति में आया हूँ, मुझे हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री पहले भी आया करते थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मुझे हराने के लिए आए थे, वहाँ यहाँ के 36 बिरादरी के लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी थी, बल्कि वहाँ हुटिंग हो गई। मुझे हराने के लिए फिल्म एक्टर राजेश खन्ना आते थे, मुझे हराने के लिए दारा सिंह पहलवान आते थे, मुझे हराने के लिए यहाँ तमाम मुख्यमंत्री आते थे, लेकिन लोगों ने बात को नहीं माना। अब जो देश के प्रधानमंत्री इधर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का मैं एक निवेदन जरूर करूँगा कि उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री हमारे इलाके के लिए कुछ किया हो तो लिस्ट जरूर लेके आए। हमारी मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है बल्लभगढ़ तक हम लाए थे, आज भी हमारा ऐलान है मेट्रो का हम लेकर के आएंगे। आज 32 रेल जो चलती थी, 20 रेल क्यों बंद है प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। आज ये नाजायज बसें बीजेपी के नेताओं की जो 1000 के करीब पलवल आगरा तक चलती हैं और रेलों को इसलिए बंद किया हुआ है, प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए। और जितने भी इनके केंद्र के मंत्री हैं, इन्होंने कोई तोहफा दिया हो सरकार फरीदाबाद लोकसभा को, फरीदाबाद को, या स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों खरबों फरीदाबाद में डकार गए, वहाँ कॉरपोरेशन के घोटाले हैं, हमारे यहाँ सीवर पानी के घोटाले हैं उनको डकार गए। तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, लेकिन कम से कम ये बताएं जरूर कि उन्होंने किया क्या हमारे इलाके के लिए। उनका 30 टर्म आ गई, हमारे लोगों ने उनके नुमाइंदे को चुना है पिछली
दस साल से लगातार 15वां साल तक पड़ा, तो प्रधानमंत्री जी या बीजेपी की जो नेता आ रहे हैं वो लिस्ट जरूर लेकर के आई। भाई हमने ये पलवल जिला मैंने बनाया, पलवल का अस्पताल मैंने बनाया, राजकीय महाविद्यालय मैंने बनाया, यहाँ जो खेल के स्टेडियम है वो मैंने बनाए, रेल के पुल मैंने बनाए, जो अपने इनकी आधारशिला मैंने रखी, हमारी सरकार ने रखी, और पलवल के नाले मैंने बनाए जो दुर्गंध का कारण थे शहर में, आज वहाँ करोड़ों रुपए की जायदाद लोगों की बन चुकी है, और पीने का पानी का इंतजाम मैंने किया, सीवर मैंने डलवाया। तो ये काम जो मैंने ये भी गिनवाए इन्होंने क्या किया आज तक। जो गुंडे बदमाश हैं, जो बेईमान अधिकारी हैं, जिन भाजपा नेताओं की शरण में ये फिरौती का धंधा चल रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए? जो गुनाह कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि ये कानून की मर्यादा है, जो गुनाह करता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब यह लूटमार हो रही है, मुकदमे दर्ज क्या बीजेपी ने नहीं किए? छापेमारी बीजेपी अपनी दुर्भावना से नहीं इनकम टैक्स और ईडी की करती है? जो जीएसटी के छापे पड़े हैं पलवल में, क्या दुर्भावना से नहीं पड़े? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उस दिन, तो उन्हें बताना चाहिए कि पलवल फरीदाबाद में इतने जीएसटी के छापे क्यों मारे गए।